खासदा क्रीड़ा महोत्सव में क्रिकेट के मुकाबले के दौरान मामूली बात पर भाजपा नेता मुन्ना यादव के बेटे करण यादव ने मैच के स्कोरर की पिटाई कर दी। यह वाकया गुरुवार की दोपहर छत्रपति नगर के क्रिकेट मैदान पर हुआ। नेता के बेटे द्वारा ही मारपीट किए जाने से खासदा क्रीड़ा महोत्सव से जुड़े भाजपा पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। पिछले कुछ दिनों से नागपुर शहर में खालसा क्रीड़ा महोत्सव चल रहा है। रविवार 22 जनवरी को इसका बड़ा ही शानदार समारोह होने जा रहा है, मगर इसके पहले ही इस महोत्सव में मारपीट की वारदात सामने आई है और इसमें भाजपा युवा मोर्चा का ही सदस्य शामिल है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने इस महोत्सव के प्रमुख पूर्व महापौर संदीप जोशी से बात की तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट मैच के दौरान ये विवाद हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच भी की जाएगी। अब ये मामला प्रताप नगर पुलिस थाना तक पहुंच गया है। खासदा क्रीड़ा महोत्सव ये मध्य भारत का सबसे बड़ा इवेंट है। इस इवेंट में केवल 13 दिनों में 55 गेम्स और 62 क्रीड़ांगणों पर ये गेम्स हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी जो रहते हैं वो वैसे ही थोड़े से एडमेंट रहते हैं, आपस में गेम खेलते वक्त झगड़े भी होते हैं। खिलाड़ी वृत्ति अनेक लोगों में रहती है, कुछ लोगों में कम रहती है। तो क्रिकेट में ये झगड़े हुए, दो टीम के बीच में अंपायर जो है वो अंपायर आपस में ये कर रहे थे, उस वक्त कुछ तो भी कम ज़्यादा हुआ और स्कोरर जो था वो स्कोरर के ऊपर सब लोग चढ़े और उससे थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है। हाँ, ये मुझे भी पता चला है। हम खासदार क्रीड़ा महोत्सव की ओर से इसकी पूरी इंक्वायरी करके जो भी रिपोर्ट है वो हमारे ज्येष्ठ जो है उनके तरफ पहुंचाने वाले। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गुटबाजी का विषय है। नितिन जी की संकल्पना से रहता है, लेकिन देवेंद्र जी अक्सर उसमें आते हैं। देवेंद्र जी हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहते कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से आपने सम्मिलित होना चाहिए। आपने देखा होगा ये क्रीड़ांगण पे भी देवेंद्र जी के होल्डिंग भी लगे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, इसमें गुटबाजी का विषय नहीं है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।